आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें हम लोग एक मिसलिनियस क्वेश्चन आज डील करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। फाइन, हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा जा रहा है अ शेल इज फायर्ड shell is fired from ground with initial speed u from the inside of a shelter as shown below. Shelter plane makes an angle of alpha with the horizontal. ठीक है, फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल इन टर्म्स ऑफ जी एल एंड अल्फा, डिस्कस ऑल पॉसिबल केसेस। ऑल पॉसिबल केसेस। अच्छा, इसमें जो एल बोला गया है, एल वो डायग्राम में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। पहले इसका जो डायग्राम क्वेश्चन मेंशन किया गया उसको हम बना दे रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये शेल्टर प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है, यहां से शेल को फायर किया गया है इनिशियल स्पीड यू से, है ना। और शेल का यहां से जो डिस्टेंस है यही एल है, और ये मेरा शेल्टर प्लेन है। दिस इज द शेल्टर प्लेन, इज द प्लेन ऑफ शेल्टर। और यहां से शेल को फेंका गया है, यहां से ये आपको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये शेल्टर प्लेन ग्राउंड को यहां पर कट करता है। इस पॉइंट का शेल से प्रोजेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस एल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल। अब इसका आपको बताना है मैक्सिमम रेंज इसमें क्या होगा, समझ गए। अच्छा, फर्स्ट कॉलम मिटा देता है कंटिन्यूएशन में। देखिए, हम लोग जानते हैं फ्रॉम द यूजुअल थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कि अगर शेल को हम हॉरिजॉन्टल यू स्पीड से फायर करते हैं तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर बाय जी होता है, और उसका प्रोजेक्शन एंगल करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होता है। यहां भी देखिए, यहां भी हमको शेल का पूछा गया है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा शेल का। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक शेल्टर आ गया है। देखिए, ये शेल्टर से, ये शेल्टर होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि शेल जाके इसको हिट कर दे, शेल्टर प्लेन को कोलाइड कर जाए उससे। कोलाइड करेगा तो कोलिजन के दौरान शेल्टर प्लेन जो है इसको कुछ फोर्स लगा के उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को बदल देगा। उसका हमको कोई जानकारी तो है नहीं हम लोग को, तो यहां पर हमको मतलब कि शेल्टर प्लेन की वजह से हमको ये समझना होगा कि इसका मोशन किस तरह से ऑल्टर हो सकता है।
उन्हें क्या उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, तो उसके लिए शेल्टर प्लेन को अकाउंट में हमको लेना होगा। तो देखिए हमसे जो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो मान लीजिए हम शेल को यहाँ से फायर किए, हाँ एट सम एंगल थीटा हम उसको फायर किए हॉरिजॉन्टल से, और अब मान लीजिए थीटा का वैल्यू ऐसा है कि शेल इसको जस्ट शेल्टर प्लेन को टच करते हुए शेल चला जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर थीटा इमेजिनरी आता है जैसा अभी हम लोग देखेंगे, यानी शेल कभी भी टच नहीं करेगा इसको, तब इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर बाय जी होगा और पोजिशन एंगल 45 डिग्री होगा। अच्छा दूसरा केस आता है कि शेल को जब हिट किया, फायर किया गया थीटा एंगल पर, ये जाके शेल को टच करते हुए चला गया, तो उसमें दो सब केस आएगा कि वो जिस एंगल थीटा पर वो टच किया वो थीटा या तो पाई बाय फोर से बड़ा है या उससे छोटा है। अगर थीटा मेरा पाई बाय फोर से बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री पर टच किया, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा, और जब उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे, और तभी इस केस में थीटा अगर शेल टच कर रहा है शेल्टर प्लेन को और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बड़ा है 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो 45 डिग्री पर उसको फायर करेंगे तो बिना शेल को टच किए हुए कॉन्टैक्ट में आए हुए वो चला जाएगा और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। और लास्ट केस बनता है कि थीटा क्यूब मैंने कि रियल है, मैंने टच कर रहा है शेल को, जिस थीटा पर टच कर रहा है वो थीटा पाई बाय फोर से छोटा है, से मान लीजिए 35 डिग्री है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो 35 डिग्री करस्पॉन्डिंग रेंज होगा। इस केस में 45 डिग्री वाला रेंज रियलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 35 डिग्री में टच कर जा रहा है तो 45 डिग्री पर अगर फेंकेंगे तो शेल्टर प्लेन को हिट कर जाएगा वो, तो उसका मोशन ही ऑल्टर हो जाएगा, तो उस केस में हमको थीटा को 35 डिग्री ही लेना होगा। फाइन, तो देखिए इसमें हम लोग करना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट सो दैट शेल टचेस द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और इसमें क्या क्या सब केसेस आएगा। अच्छा सब केस क्या आएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, वो थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई टच करेगा वो, हाँ उसके बाद हम उसके वेरियस केसेस हम लोग एनिमरेट करके उसको हर केस को हम लोग सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो देखिए डायग्राम को हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये शेल्टर प्लेन हो गया, ये अल्फा एंगल है, यहां से शेल को फेंका गया यू स्पीड से, ये डिस्टेंस यहां से यहां का एल है जैसा कि स्पेसिफाइड है प्रॉब्लम में। अच्छा अगर हम चाहते हैं इसको मान लीजिए फायर किया गया एट सम एंगल थीटा, अच्छा अगर हम चाहते हैं कि शेल जाके इस इंक्लाइन प्लेन को टच करे, उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा शुड बी मोर देन अल्फा, ठीक है। तो देखिए हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास करता है और इंक्लाइन शेल्टर प्लेन के पैरेलल है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ये वाला, है ना। अच्छा इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ऑरिजिन ले लिए हैं, इसको एक्स एक्सिस लिए हैं, ये वाला डॉटेड लाइन जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और मैंने शेल्टर प्लेन के पैरेलल है, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब ये यहां से फायर हुआ, देखिए देखिए ऐसे कर चला गया, देखिए हम मानते हैं जब वो टच किया शेल्टर प्लेन को उसका वेलोसिटी वी है। अच्छा यहां देखिए वी जो है सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखिए यानी वी का जो यहां वाई कंपोनेंट है, यहां पर इस पॉइंट पर वी का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, y कंपोनेंट विल बी जीरो, फाइन ठीक है ना, ये भी है। ये हम बता दिए कि अगर टच करना है तो थीटा को अल्फा से बड़ा होना चाहिए, इसलिए देखिए डायग्राम में थीटा को बड़ा अल्फा से बड़ा दिखाया गया है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए जो शेल किस इंस्टेंट पर यहां पर है उसका एक्सेलरेशन ए है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट, उसका जो एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट होगा ए वाई वो हो जाएगा जी कॉस अल्फा, वो इस डायरेक्शन में होगा माने वाई के ऑपोजिट, उसको माइनस लिखेंगे और माइनस जी कॉस अल्फा जो है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है मतलब कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा वी वाई यहाँ का वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है जो कि जीरो है जिस समय टच कर रहा है, तो ये जीरो स्क्वायर हो गया। अच्छा यू वाई जो है यू का वाई कंपोनेंट है, यू देखिए वाई से एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है थीटा माइनस अल्फा, यू वाई होगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है इसका प्लस होगा, UY को लिखेंगे u sin थीटा माइनस अल्फा पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स AY हो गया माइनस g cos अल्फा, अच्छा इंटू dy, और dy क्या है जब शेल यहां से यहां गया इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट इसका जो कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन होगा यहां से यहां यही dy हो जाएगा, माने जब शेल यहां से यहां गया उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है, उसका जो कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है वो डी वाई है, वो इस डायरेक्शन में है। ये देखिए ये राइट एंगल हो गया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज एल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, डी वाई है, डी वाई हो जाएगा एल साइन अल्फा होगा, तो डी वाई का मैग्नीट्यूड होगा एल साइन अल्फा और डी वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, तो डी वाई को लिखेंगे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से डी वाई को लिखेंगे एल साइन अल्फा लिखेंगे, फाइन, यहां dy को लिखेंगे हम l sin अल्फा, ओके। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2gl cos अल्फा sin अल्फा, gl इंटू टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन टू अल्फा हो जाएगा साइन टू अल्फा, ठीक है ना, यानी कि अगर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा माइनस प्लस जी एल साइन टू अल्फा हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा होगा रूट जी एल साइन टू अल्फा, फाइन। अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं, इसे देखिए साइन थीटा माइनस अल्फा क्या होगा रूट अंडर जी एल साइन टू अल्फा बाई यू, ये साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, फाइन। अच्छा अब देखिए क्या क्या पॉसिबल केसेस अराइज करता है, देखिए केस वन ये अराइज करता है कि u जो है सो मोर देन जीरो है और रूट जी एल साइन टू अल्फा से कम है, इट इज लेस देन रूट जी एल साइन टू अल्फा, इस केस में व्हाट विल हैपन, इसमें इस इनइक्वालिटी से हम देखते हैं रूट जी एल साइन टू अल्फा। अच्छा रुकिए इसमें ऐसा करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं ना, ये केस वन है, हाँ हर केस को सेपरेट कंसिडरेशन देंगे, केस टू है कि यू जो है रूट जी एल साइन टू अल्फा से मोर देन इक्वल टू, ये दो केस आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों केस को अलग अलग डिस्कशन करते हैं, सेकेंड कॉलम मिटा देते हैं, तो देखिए केस वन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, केस वन में ये वाला है जो लिखा हुआ है,
अच्छा मोर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो का नेट का मीनिंग नहीं है, इक्वल टू जीरो है तो मोशन होगा ही नहीं, तो यू को मोर देन जीरो होना है। तो केस वन यू रूट लेस देन रूट अंडर जी एल साइन टू अल्फा, यानी कि रूट अंडर जी एल साइन टू अल्फा बाय यू वन से बड़ा हो गया और ये क्वांटिटी इसके बराबर है, थीटा माइनस अल्फा इज मोर देन वन। और हम जानते हैं किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो हमेशा वन से छोटा होता है, वो लेस देन इक्वल टू वन होता है, वन से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर आपका ऐसा कोई रियल थीटा नहीं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, नो रियल थीटा विच सेटिस्फाइज द अबव इनइक्वालिटी। मतलब कि इस केस में किसी भी थीटा के लिए शेल विल नेवर टच द इंक्लाइंड प्लेन, और ऑल थीटा द शेल विल नेवर टच द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा फर्स्ट कॉलम में डालते हैं, इस केस में हम जानते हैं कि अगर शेल को टच, शेल कभी भी इंक्लाइंड प्लेन को टच नहीं करेगा तो वो इक्विवेलेंट है कि शेल है ही नहीं, मैंने इंक्लाइंड प्लेन है ही नहीं। शेल अगर इंक्लाइंड प्लेन को टच नहीं करेगा किसी भी थीटा के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि देयर इज नो इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो इस केस में इसका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा शेल का वो यू स्क्वायर बाय जी होगा व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री, तो पहला केस हो गया। अच्छा केस टू क्या है, देखिए केस टू है कि यू जो है जैसा कि अभी लिखा गया था मिटा दिए थे उसको, रूट जी एल साइन टू अल्फा से बड़ा है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस केस में अगर यू से डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा बाय यू, ये वन से लेस देन इक्वल टू होगा, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा, ये क्वांटिटी साइन थीटा माइनस अल्फा है ना, इज लेस देन इक्वल टू वन। इसमें ये इनइक्वालिटी तो रियल थीटा के लिए पॉसिबल है, थीटा इज रियल, थीटा रियल है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी फॉर सम रियल थीटा द शेल विल टच द शेल्टर प्लेन। फॉर सम रियल थीटा द शेल विल टच द शेल्टर प्लेन। अच्छा सेकेंड कॉलम मिटाया था, द शेल विल टच द शेल्टर प्लेन, तो कौन सा थीटा होगा, एंड द थीटा इज द वैल्यू ऑफ इज फाउंड फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू रूट जी एल साइन टू अल्फा बाय यू। यहां पर ये वन से कम है, इसका रियल थीटा होगा रूट जी एल साइन टू अल्फा बाय यू, अल्फा प्लस साइन इनवर्स इस थीटा बजा के टच करेगा, दिस द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द शेल टचेस द इंक्लाइंड शेल्टर प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन, जो बोलिए।
अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं, और देखिए इस केस में हम देखते हैं केस टू में कि कोई रियल थीटा के लिए दो शेल है जो शेल्टर प्लेन को टच करेगा, ठीक है फाइन। अब इसमें दो सब केस बनता है, सब केस ए एंड सब केस बी। सब केस ए है मैंने केस टू का सब केस ए ये है कि जो थीटा पर वो टच करेगा शेल्टर प्लेन को वो थीटा पाई बाई फोर से बड़ा है, और बी मोर देन इक्वल टू, और बी थीटा पाई बाई फोर से छोटा है। ये दो सब केस बनेगा, किसमें सब केस बनेगा, टू सब केसेस है ना ऑफ केस टू। टू सब केसेस ऑफ केस टू, एक ये वाला एक ये वाला, केस ए केस बी। तो सब केस टू का केस ए सॉरी केस टू का सब केस ए है थीटा मोर देन इक्वल टू पाई बाई फोर, और केस टू का सब केस बी है थीटा लेस देन पाई बाई फोर। अच्छा अब जरा हम लोग क्या करते हैं, केस टू का सब केस बी को कंसीडर करते हैं, सब केस बी ऑफ केस टू, सब केस बी ऑफ केस टू, केस टू का सब केस बी सॉरी ए सॉरी 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 ए सब केस ए ऑफ केस टू, केस टू का सब केस ए ये वाला केस, वो केस है थीटा इज मोर देन पाई बाई फोर, यानी थीटा माइनस अल्फा। अच्छा देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए इसमें केस टू का जो सब केस ए है उसमें हम देखते हैं कि थीटा मोर देन इक्वल टू पाई बाई फोर है, इसका मतलब यह हुआ कि शेल जो है किसी न किसी थीटा के लिए टच करेगा शेल्टर प्लेन को, और वो थीटा पाई बाई फोर से मोर देन इक्वल टू है। जैसे मान लीजिए थीटा का वैल्यू आता है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री पर फायर करने पर जाके वो शेल्टर प्लेन को टच करेगा 65 डिग्री पर, तो 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज उसका अटेन हो जाएगा। उसमें 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आपका मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। तो इन दिस केस अच्छा ये भी हो सकता है कि थीटा 45 डिग्री हो, नहीं 45 डिग्री पर शेल को फायर किया है तो शेल्टर प्लेन को जाके टच किया है, तो इस केस में भी उसका मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा ऑफ उसी 45 डिग्री एंगल पर। इसमें कंक्लूजन क्या लिखे हैं, इस केस में जो शेल का हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो यू स्क्वायर बाय जी होगा, और जो प्रोजेक्शन एंगल थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से पाई बाय फोर होगा। प्रोजेक्शन एंगल थीटा ऑफ द शेल विल बी पाई बाय फोर। तो इस केस टू का सब केस यही हो गया, केस टू का सब केस में था थीटा मोर देन इक्वल टू पाई बाई फोर है, इसमें हम बताए कि आर मैक्स आपका यू स्क्वायर बाय जी होगा, उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री लेंगे, कारण अभी हम समझा दिया आपको। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इस केस में जरा हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, यू का एक वैल्यू मिलेगा हमको। तो सब ये केस टू का सब केस एक का बात हो रहा है, तो थीटा मोर देन पाई बाई फोर, यानी थीटा माइनस अल्फा इज मोर देन पाई बाई फोर माइनस अल्फा, यानी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज मोर देन साइन पाई बाई फोर माइनस अल्फा। बट साइन थीटा माइनस अल्फा कितना है मेरा हम जानते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा इज जस्ट रूट जी एल साइन टू अल्फा बाई यू इज मोर देन इक्वल टू साइन पाई बाई फोर माइनस अल्फा। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए 45 डिग्री 1 बाई रूट टू, कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई बाई फोर साइन अल्फा, कॉस पाई फोर भी 1 बाई रूट टू हो गया इंटू साइन अल्फा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, जीएल साइन टू अल्फा बाई यू स्क्वायर इज मोर देन हाफ टाइम्स, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू जीएल साइन टू अल्फा, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस अल्फा साइन अल्फा,
कॉस स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, वन माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टू टू साइन साइन टू अल्फा, यानी कि यू लेस देन इक्वल टू रूट अंडर टू जी एल साइन टू अल्फा बाई वन माइनस साइन टू अल्फा। ये देखिए तो केस टू का सब केस ए ट्रू होने के लिए यू को इससे छोटा होना चाहिए, है ना, फाइन, ठीक है ना। अच्छा हम फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं, तो देखिए फॉर सब केस ए ऑफ केस टू टू बी ट्रू यू का क्या रेंज होना चाहिए, यू को यू जो है यू इट शुड बी मोर देन इक्वल टू रूट जी एल साइन टू अल्फा बाय यू, है ना, क्लियर है एकदम, और लेस देन इक्वल टू टू जी एल साइन टू अल्फा बाय वन माइनस क्या साइन टू अल्फा। ये देखिए यू को इसे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, क्लियर एकदम, ऑलराइट, ठीक है ना। तो इस केस में हम देखते हैं कि मेरा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो यू स्क्वायर बाय जी होगा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरा होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो केस टू ऑफ सब केसेस में देखते हैं कि वो टच करता है शेल को, शेल जो है शेल्टर प्लेन को एट सम एंगल थीटा जो मोर देन इक्वल टू पाई बाई फोर है, उसमें मैक्सिमम रेंज इतना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पर होगा और ये ट्रू तब होगा जब यू लाई करेगा इस रेंज में। ये अपर लिमिट यहां आ गया, और ये कहां से आया था, जो केस टू हम लोग बात किए थे अभी, केस टू का ट्रू होने के लिए क्या था कि यू जो था इससे छोटा था, इससे यू वॉज मोर देन रूट टू जी एल साइन टू अल्फा, रूट जी एल साइन टू अल्फा, है ना, यहाँ गलती से कुछ नहीं होगा, फाइन, यहाँ गलती से लिखा गया था तो सही जाएगा, हाँ ठीक है ना, फाइन, क्लियर एकदम। यू मोर देन दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, आर मैक्स इतना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग लास्ट केस डिस्कस करेंगे, अच्छा सेकंड कॉलम मिटा देते हैं, अच्छा सब केस बी ऑफ केस टू, ऑफ केस टू, सबसे पहला केस टू बात कर रहे हैं, केस टू कब ट्रू होगा, जब यू मोर देन इक्वल टू रूट जी एल साइन टू अल्फा, है ना। अच्छा सब केस बी में हम क्या देखते हैं, सब केस बी में, सब केस बी में मेरा जो थीटा है तो थीटा मेरा पाई बाय फोर से छोटा है, थीटा इज लेस देन पाई बाय फोर, यानी थीटा माइनस अल्फा इज लेस देन पाई बाय फोर माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा इज लेस देन पाई बाय फोर माइनस अल्फा। साइन थीटा माइनस अल्फा हम लोग कितना निकाले थे, रूट जी एल साइन टू अल्फा बाई क्या यू, अच्छा साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन पाई बाय फोर कॉस अल्फा यानी वन बाई रूट टू कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई बाय फोर साइन अल्फा, ठीक है फाइन। अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, साइन टू अल्फा बाय यू का बाय यू स्क्वायर, सॉरी हाँ
स्क्वायर कर दिए, इज लेस देन इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, जीएल साइन 2 अल्फा बाई यू स्क्वायर हाफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, यानी यू इज मोर देन इक्वल टू रूट अंडर 2 GL साइन 2 अल्फा बाई 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है फाइन। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, इन दिस केस थीटा मेरा पाई बाय 4 से छोटा है तो मैक्सिमम जो रेंज होगा वो इसी थीटा के लिए होगा, आर विल बी मैक्सिमम फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा, ताकि टच कर जा रहा है ना इसमें, थीटा पाई बाय 4 से छोटा है, जैसे मान ली 35 डिग्री में टच कर गया तो 35 डिग्री ही मैक्सिमम रेंज देगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा थीटा तो हिट कर जाएगा तो उसका मोशन चेंज हो जाएगा, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो थीटा पाई बाय 4 से कम है तो आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर जीएल साइन 2 अल्फा बाई यू, ठीक है। इसको मिटाते हैं सेकंड कॉलम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा होगा साइन इनवर्स रूट अंडर जीएल साइन 2 अल्फा बाई यू, अल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा बाई यू, इसी थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। थीटा को लिखेंगे अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट जीएल साइन 2 अल्फा बाई यू, ये देखिए यार मैक्स दे देगा। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड कब है, वैलिड इफ यू इज मोर देन रूट 2 GL साइन अल्फा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है। अच्छा आप देखिए एक लास्ट पॉइंट हम बोलना चाहेंगे कि यहां पर हम लोग केस 1 और केस 2 का सब केस है, इन दोनों को एक में मर्ज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग इफेक्टिवली 3 केस आया ना, एक तो केस 1 और दूसरा केस 2 का सब केस है, सब केस बी, 2 अलग अलग केस आया, इसको हम लोग इफेक्टिवली 3 केस है, इसको हम लोग 2 केस में मर्ज कर सकते हैं, वो कैसे वो देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं कि हमारा केस 1 जो था, केस 1 में था कि थीटा इमेजिनरी था, उसमें मेरा यू क्या था, यू वाज लेस देन रूट जीएल साइन 2 अल्फा, है ना। तो देखिए यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, हाँ ये यू का डायरेक्शन है, यू 0 है और यू मेरा है ये वाला है रूट जीएल साइन 2 अल्फा, U इसके बीच में है, इससे बड़ा है इससे छोटा है, यानी U इस रेंज में है, इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा U स्क्वायर बाय G होगा और प्रोजेक्शन एंगल पाई बाय 4 होगा। ये मेरा था केस 1। अच्छा इससे बड़ा था U, ये मेरा हो गया केस 2, केस 2 में सब केस ए आया,
ये u का वैल्यू हो गया रूट 2gl साइन 2 अल्फा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा। तो u इस रेंज में था तो वो केस 2 का सब केस एक था। इस रेंज में u था, इससे छोटा इससे बड़ा। तो इस केस में भी मेरा आर मैक्स कितना था, यू स्क्वायर बाय जी था और प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री था। और सब केस, केस टू का सब केस भी क्या था, इधर यू मोर देन दिस क्वांटिटी। यू मोर देन दिस क्वांटिटी, ये मेरा था ये सब केस बी ऑफ केस टू। इस केस में हम लोग देखे कि आर मैक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर बाय जी साइन टू अल्फा प्लस साइन इनवर्स टू अल्फा बाय यू। और थीटा इस पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, अल्फा प्लस साइन इनवर्स टू अल्फा बाय यू। ये देखिए, अच्छा आप देखिए केस वन में यू का ये रेंज था, आर मैक्स इतना था, एंगल ऑफ पोजिशन 45 डिग्री था। अच्छा केस टू का सब कैसे था, यू इस रेंज में था, उसमें भी आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी था और एंगल ऑफ पोजिशन 45 डिग्री था। तो हम लोग केस वन और केस टू का सब कैसे दोनों को मिला सकते हैं, इसमें कॉमन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कैसे मिटा देते हैं उसको, देखिए फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर ये लिखेंगे। देखिए फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये लिखेंगे कि u जो है मेरा रूट अंडर, रूट अंडर 2gl साइन 2 अल्फा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा से कम है, ठीक है। तो इस केस में मेरा आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी होगा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। और दूसरा केस है, ये केस फर्स्ट केस है और सेकेंड केस ये है, यू इससे बड़ा है, यू इज मोर देन लेस देन इक्वल टू भी चलेगा, है ना। यू इज मोर देन रूट अंडर 2gl साइन 2 अल्फा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है फाइन। इसमें मेरा थीटा जिसके लिए एंगल ऑफ मैक्सिमम होगा वो होगा अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर जीएल साइन टू अल्फा बाय यू, ठीक है। और इसमें आर का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी साइन अल्फा टू टाइम्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट जीएल साइन टू अल्फा बाय यू। ये देखिए, ये जाके इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यू अगर इससे कम है और जीरो से बड़ा है, आर मैक्स इतना होगा, एंगल ऑफ पोजिशन 45 डिग्री होगा, यू अगर इस क्वांटिटी से बड़ा है तो इस एंगल थीटा पर जाके आर रेंज मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम रेंज इतना दिखाएगा, समझ गए बात। यहां जाके आपको हम सारा समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका जो था सो इस पर बेस्ड था, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, 18वां सेशन का क्वेश्चन था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, नॉट अ बैड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा 5-10 हिस्सा बनाइएगा जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको, इससे बहुत सारे टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेगा आगे के न्यूमेरिकल्स में।
सो डेफिनेटली इस टाइप का प्रॉब्लम बनाइए, इससे बहुत फायदे में रहिएगा, स्पीड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रिसीजन आएगा, एक्यूरेटनेस आएगा, एक्यूरेसी आएगा। जेई एडवांस के लिए फिट क्वेश्चन आने के लिए है, नीट कॉम्प्रिहेंशन में तोड़ तोड़ के डाल देगा। नीट स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, खास करके जो एम्स का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत हाई स्कोर होगा, तब जाके एम्स मिलेगा, वहाँ भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हर तरह से प्रॉब्लम को अच्छा समझ लीजिए और प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा तो फायदा होगा, ठीक है। अब एक लास्ट वीडियो बनाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके बाद जाके प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी फिनिश्ड। अच्छा, सेशन 18 में जो प्रीवियस प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर्स है और आगे वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर्स का लिंक डाल दिया गया है या डाल दिया जाएगा एज द केस में भी, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए।